कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं? थे ना। इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है, और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं, कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे, बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डाटा सर, दानिश अली को जिसको आपने डाटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा सर। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में, कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं तह पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी DMK है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समझे सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया, और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही DMK उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डीला। राजीव गांधी का मर्डर हुआ सर, दो कमीशन बना, वर्मा कमीशन बना और जैन कमीशन बना, और जैन कमीशन ने कहा कि लिट्टे को सहयोग करुणानिधि जी की पार्टी DMK देती थी। क्या जैन कमीशन गलत था? क्योंकि उस कमीशन को आपने, उसके बाद भी आपके साथ है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। आप यह बताएं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप ED CBI इनकम टैक्स की बात करते हो, इसी सदन के बड़े इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, मैं सम्मान करता हूं, मेरे दोस्त हैं, राजा साहब, कनी जी बैठी हुई हैं, दयानिधि मारन जिनका विभाग बदल गया, हमने आपके ऊपर 2G का केस लगाया, हमने बंद किया, उस गरीब महिला को सर, बेचारी महिला को इन लोगों ने जेल में डाला, आप हमारे खिलाफ हो, हमने क्या किया? हमने आपका विभाग नहीं बदला। आप अपोजिशन का लेके आए हो, आप अपने पोजिशन पार्टी की बात कर रहे हो, दूसरी पार्टी है TMC, दूसरी बड़ी पार्टी है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सर कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्योंकि वो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात करते हैं, एक शॉर्ट लाइन में बात करते हैं। दूसरी पार्टी है सर TMC,
माननीय राजनाथ जी संजोग से बैठे हुए हैं, सिंगूर का बड़ा आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, हमने साथ दिया टीएमसी का। माननीय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए ममता बनर्जी के रैली में शामिल हुए, हमने आंदोलन को साथ दिया। यदि आज आप बंगाल में सरकार बनाए उसमें हमारा भी कोई योगदान है, लेकिन आपको करप्ट किसने बनाया? नारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, शारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, इस कांग्रेस ने किया। आपका विरोध उस कांग्रेस से होना चाहिए कि हमसे होना चाहिए? तीसरी पार्टी है लालू प्रसाद जी की आरजेडी, ललन सिंह जी यहां बैठे हुए, हमने उनको जेल नहीं भेजा सर। मैं केवल यह कह रहा हूं किस तरह की यह अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिख दी दीवारों पर गाने की सुर नहीं, मतलब गाने की रीत नहीं। मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नैन सो, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए, यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो, आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने जिसने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया, हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर। तीसरी पार्टी है सर मुलायम सिंह यादव जी, चौथी पार्टी है मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी सर। अच्छा, मुलायम सिंह जी जो यहां थे तो हम लोगों के लिए बड़े सम्मानित थे, और जब भी है देश प्रेम की जो भावना थी उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है सर। लेकिन मुलायम सिंह जी यादव की इमेज को किसने चौपट किया? ये मेरे पास यदि बोलेंगे सर, सारे पेपर में लेके आया हूं कि विश्वनाथ चतुर्वेदी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है, PIL करते, और CBI का केस जो है 2007 में डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर हो जाता है। 2008 में इसी सदन में मुलायम सिंह यादव जी ने आपको CBI के डर से न्यूक्लियर में सपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के तहत किया, ये आप बता दीजिए जनता को। और उसके बाद आपने इनकम टैक्स का केस कर दिया, और हमने क्या किया मुलायम सिंह यादव जी के साथ? हमको पता था कि वो ईमानदार आदमी है, हमको पता है कि देश के प्रति उनकी भावना जो है, और ये पिछड़े दलित शोषित वर्ग से आते हैं इसीलिए कांग्रेस ने उसको ये किया। हम लोगों ने CBI के सारे केस को खत्म किया, और आज मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर केस ने, फिर भी मुलायम सिंह यादव जी हमारे विरोध में, और उसके बाद पद्म भूषण भी दिया हमने। उस दिन सुप्रिया जी बहुत बोल रही थी, NCP है, नेचुरली करप्ट पार्टी कहा है सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, BJP कहती है, हम लोग कहते रहते। मैं गया उनके तह पर गया कि 80 में मैं केवल अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा हूं सर, 80 में शरद पवार साहब की चुनी हुई सरकार को किसने बर्खास्त किया? हमने नहीं किया, इस कांग्रेस पार्टी ने किया। किस आधार पर शरद पवार साहब ने एक अलग NCP बनाई थी? हमने नहीं कहा शरद पवार साहब को बनाने के लिए। किस आधार पर जब हम पहली बार यहां जीत कर आए तो रोज जो है इसी तरह की महंगाई की बात होती थी, महंगाई की बात होती थी, एक एक्सचेंज की बात, कमोडिटी एक्सचेंज की बात होती थी, रोज पवार साहब के ऊपर आरोप लगते थे, हमने नहीं लगाया। और फाइनली पवार साहब जैसे सीनियर आदमी को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं कागज देख रहा था सर, 2012 और 13 में जिसके लिए कहा कि 70,000 करोड़, जिसके लिए कि काफी, पहले तो अब धीरे से बोलती थी, हंस के बोलती थी तो अच्छा बोलती थी, अभी थोड़ा जोर जोर से बोलती है। अब आप समझिए कि व्हाइट पेपर इसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने किया, छगन भुजबल जी के ऊपर महाराष्ट्र सदन का केस इसी पृथ्वीराज चौहान ने किया, उन्हीं की SEB ने किया, 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का भी केस इसी कांग्रेस ने किया। हमने क्या किया आपके साथ? हमसे क्यों, किस बात की लड़ाई है? हमने आपके साथ क्या किया? आपको तो इस कांग्रेस को देखना चाहिए था।